बालकोनगर के परसाभाटा मुख्य मार्ग पर पिछली रात्रि हुए हादसे में एक मकान सहित तीन दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेकाबू हाईवा की टक्कर से यह घटना हुई। आनन-फानन में घायल वाहन चालक को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जबकि आसपास के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। गाड़ी मालिक और पुलिस की उपस्थिति में कई घंटे बाद क्षतिपूर्ति दिए जाने पर समझौता हुआ और तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हुई। बालकोनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसाभाटा वार्ड में मध्यरात्रि लगभग एक बजे के आसपास लोग तब हरकत में आए जब उन्होंने बहुत जोर की आवाज सुने। अनहोनी होने की आशंका से लोग बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि एक हाईवा सरस्वती राठौर की दुकान को तोड़ने के साथ पहले कमरे पर अटका हुआ है। घटना में दुकान का सभी सामान और मकान के सामने के हिस्से की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में हाईवा चालक भी घायल हो गया। अभी कैसे हुआ, हम लोग सो रहे थे, अचानक गिरा तो पता चला कि कुछ गिरा है घर में, घर दीवारी गिरी है बोल के उठे हम लोग उधर किचन तरफ गए देखने के लिए, उधर नहीं गिरा था। इधर हम लोग पत्थर को खोले देखे तो हाईवा घूम गया था। हाँ, फिर उसके बाद चिल्लाए हम लोग पड़ोसी गए। सरस्वती ने बताया कि उससे लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। कई घंटे की बहसबाजी के बाद ट्रांसपोर्टर के द्वारा हमें 1,95,000 रुपए की राशि दी गई है। हम लोग बोले कि इसका बनवा के दो, हरियाणा तो बहुत बहस हुआ और एक बजे रात से पूरा बहस, 5 बजे सेटलमेंट होकर वो लोग निकाल के ले गए। कितने का लगभग नुकसान हुआ इसमें? नुकसान आप लोग देख ही सकते हो भाई, एक दीवार देखिए, दीवार भी टूट गया है। हाँ, मेरे को 3 लाख का तो खर्चा बैठ ही जाएगा। क्या बोले तो आप दिए हैं वो लोग? हाँ, कितना दिए? मेरे को 195 दिए हैं। घटना के दौरान घर के सदस्य दूसरे कमरे में मौजूद थे। सामने के हिस्से में किसी व्यक्ति की मौजूदगी न होने से जनहानि टल गई। यहाँ दुकानों पर रहते तो चला गया होता। बड़ा साल कहना चाहिए होता तो मेरा लड़की जाता, दुकान है मेरी लड़की जी, उसको ज्यादा लगता और तो कहीं हिल नहीं सकता है। इससे पहले हाईवा 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले चुका था। ये दुकानें मुकेश गुप्ता और शैलेंद्र राठौर की बताई जा रही हैं। खबर के मुताबिक घटना के बाद यहां पुलिस और आसपास के लोग पहुंचे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी का संचालक भी यहां पर पहुंचा, जिसके द्वारा सभी मामलों में कुल मिलाकर 3,75,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई और मामले को हल किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बालकोनगर से कंकर शर्मा की रिपोर्ट।